Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss some another aspects of carbohydrate chemistry. Today our lecture mainly concentrate on apimers and enomers. First of all, what are the questions related with apimers and enomers? Here two questions. यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं जिसमें कि नंबर वन है ग्लूकोज एंड मैनोज आर, ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के क्या हैं, इस तरह से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. ए ऑप्शन है सी वन इपीमर, बी है एनोमर, सी ऑप्शन दिया हुआ है एनान्शियोमर, डी ऑप्शन है आपका सी टू इपीमर. एंड क्वेश्चन नंबर टू दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या हैं, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है. तो हियर ऑल्सो फोर ऑप्शंस, ये चार ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं. तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर के डिस्कस करेंगे कि आखिर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में जो ईपीमर और एनोमर वर्ड लिखे गए हैं, जो टर्म यूज होते हैं, आखिर इसका मीनिंग क्या है. अधिकतर बच्चों ने इनेंशियोमर वर्ड जो है वो तो सुना होगा, लेकिन ईपीमर और एनोमर के विषय में बहुत कम बच्चे जानते होंगे. तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे. तो पहला हम डिस्कस करते हैं ईपीमर. ओके, तो दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स that differs in configuration at any single stereogenic center. Stereogenic center means होता है chiral center. Okay, chiral center means एक ऐसा center जहाँ पर, जो अगर carbon को लेकर के हम कहें तो carbon की जो चार valency होती हैं, तो chiral center तभी माना जाएगा जब उससे जुड़े हुए चारों bond जो हैं different group से जुड़े हुए हों, different groups different atoms से वो लगे हुए हों. जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, अगर आप ये ग्लूकोज है मिडिल वाला, देखिए ग्लूकोज का कार्बन नंबर वन, देखिए ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जो कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जिसको आप बोलते हैं. अगर कहीं पर भी बात आती है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले की, तो आप ये ओपन चेन में ये लिख सकते हैं इस तरह से. ओके, तो इसमें कार्बन नंबर टू को देखिए आप, जो कार्बन की चार वैलेंसी है 1, 2, 3, 4, ये चारों डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड है. दैट्स वाई कार्बन नंबर टू इज कायरल सेंटर. उसी तरह से कार्बन नंबर थ्री भी कायरल सेंटर है, कार्बन नंबर फोर भी कायरल सेंटर है, कार्बन नंबर फाइव भी कायरल सेंटर है, बट सिक्स कायरल सेंटर नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें देखिए CH2, दो हाइड्रोजन एक जुड़े हुए हैं, तो इट मीन्स दो वैलेंसी जो है सेम ग्रुप या सेम एटम से सेटिस्फाई है. दैट्स वाई सिक्स जो है आपका कायरल सेंटर नहीं माना जाएगा. उसी तरह से नंबर वन भी कायरल सेंटर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि नंबर वन में अभी सी डबल बॉन्ड ओ है. हाँ, यहाँ पर अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो सी वन जो है आपका क्या हो जाता है, स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाता है. वो अभी आपने पहले भी जो लेक्चर हमारे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है उसमें देखे होंगे. तो अभी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं कि ईपीमर्स किसको बोलते हैं. देखिए ये स्टीरियो आइसोमर से अगर हम डी ग्लूकोज और डी मैनोज को देखें, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं क्या? मिरर इमेज नहीं है. देखिए आप, कार्बन नंबर वन में तो CHO है, वो CHO इसमें भी है ग्लूकोज में. कार्बन नंबर टू पे जरा गौर करिए, OH है, लेकिन यहाँ कार्बन नंबर टू पे HOH है. इट मीन्स OH यहाँ डी ग्लूकोज में, देखिए OH आपका राइट साइड में, H जो है आपका लेफ्ट साइड में. लेकिन अगर डी मैनोज की बात करें तो H है आपका राइट साइड में और OH जो है आपका लेफ्ट साइड में. बाकी लेकिन नीचे को आप देखेंगे तो ये सेम है. देखिए ग्लूकोज और मैनोज में सेम ही चीजें हैं, ठीक है ना. सेम तरफ को जो है OHH है और दूसरी तरफ भी वही है. केवल डिफरेंस कहाँ पर है आपका, कार्बन नंबर टू पे. ठीक हो गया ना. इट मींस ईपीमर्स किसको बोलते हैं, देखिए जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है. ओके, लेकिन
जितने वहाँ पर कार्बन हैं उनमें से, अगर यहाँ पर कार्बन की बात हम करें, उनमें से अगर वो मिरर इमेज तो नहीं है लेकिन किसी एक सेंटर में वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक सेंटर में। ओके, सभी सेंटर में डिफरेंट नहीं होंगे, किसी एक सेंटर में डिफरेंट होंगे तो वो आपके कहे जाएंगे क्या, ईपीमर कहे जाएंगे। डी मैनोज और डी ग्लूकोज एक दूसरे के ईपीमर हैं, और कौन सा ईपीमर माना जाएगा, सी टू ईपीमर, बिकॉज दे आर डिफर एट कार्बन नंबर टू। ओके, जो क्वेश्चन था देखिए, जो हमें यहाँ क्वेश्चन मिला हुआ था उसमें आपके देखिए सी वन ईपीमर लिखा हुआ है, सी टू ईपीमर लिखा हुआ है, तो ये किस कार्बन में वो डिफर हैं उसका नंबर दिया हुआ है। तो अभी मैंने जो आपको बताया, अभी जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, देखिए मैनोज और ग्लूकोज किस कार्बन पर नंबर पर डिफर है, हमारे नंबर टू पे। तो दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्लूकोज एंड मैनोज आर सी टू ई पी मर, आंसर ये माना जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखिए डी गैलेक्टोज को, आप देखिए डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज में आप कंपेयर करिए, तो ये आप देखिए पूरे स्ट्रक्चर को आप ऊपर से नीचे की तरफ डाउन देखिए, सी एच ओ अपनी जगह पर है, नंबर टू पे देखिए एच ओ एच, गैलेक्टोज में भी एच ओ एच, ओके कोई डिफरेंस नहीं है। कार्बन नंबर थ्री पे जाइए ओ एच एच, यहाँ भी ओ एच एच, ठीक है। कार्बन नंबर फोर पे जरा देखिए ओ एच जो है राइट साइड में है, एच आपका क्या है लेफ्ट साइड में है, बल्कि गैलेक्टोज में आप देखिए ओ एच जो है आपका लेफ्ट साइड में है लेकिन एच जो है राइट साइड में है, फिफ्थ में सेम है। ओके, तो केवल एक सेंटर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो सेंटर डिफर कर रहा है वो कार्बन नंबर फोर डिफर कर रहा है। इट मींस जो ये ईपीमर है एक दूसरे के, जो ईपीमर माने जाएंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, सी फोर ईपीमर माने जाएंगे। ओके, किसी एक कायरल सेंटर में डिफर होना है उसको हम बोलते हैं क्या, ईपीमर। ओके, कार्बन नंबर वन पे तो होगा नहीं यहाँ पर क्योंकि वो कायरल सेंटर है ही नहीं, ठीक हो गया ना। हाँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के बाद कार्बन नंबर वन को छोड़ करके हम बोलेंगे, अगर इसी ग्लूकोज का अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन नंबर वन की वजह से हमारे क्या बनते हैं, एनोमर बनते हैं। लेकिन कार्बन नंबर वन के अलावा कहीं और जगह डिफर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईपीमर बोलेंगे। ओके, तो आप अगर यहां पे देखें तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर कहे जाएंगे और सी फोर ईपीमर माने जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि क्या डी मैनोज और डी गैलेक्टोज ईपीमर हैं या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, कुछ देखिए जरा डी मैनोज और डी गैलेक्टोज में भी कहीं पे कोई रिलेशन है, आप देख रहे हैं इसमें एक से ज्यादा सेंटर में डिफरेंस है आपके, ओ एच एच यहां पर इस तरह से है, ओ एच एच ये सेम है लेकिन एच ओ एच एच ओ एच ये वाला जो सेंटर है दो, एक से ज्यादा पे यहाँ पे डिफरेंस है तो ये ईपीमर के अंदर नहीं आएंगे। केवल ईपीमर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, देखिए दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स दैट डिफर्स इन कॉन्फिगरेशन एट एनी सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डी मेनोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं बट ये ईपीमर नहीं है, इसके अलावा दूसरा टर्म इसके लिए यूज किया जा सकता है, दे आर डाइस्टीरियोमर्स टू ईच अदर। देखिए दोनों मिरर इमेज भी नहीं है, ठीक है ना, मिरर इमेज भी नहीं है। ओके, और 100% जो है जहां जहां पर उसका सेंटर है कायरल सेंटर वहां पे डिफर भी नहीं हुआ है, लेकिन एक से ज्यादा सेंटर में डिफर है। एक सेंटर में डिफर होता तो आप ईपीमर बोलते, एक से ज्यादा सेंटर में डिफर है लेकिन ओवरऑल पूरा नहीं है, एक से ज्यादा है लेकिन 100% मिरर नहीं बना हुआ, 100% मिरर नहीं बना हुआ, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक सेंटर में अगर डिफरेंस है केवल तो ईपीमर कहा जाएगा, पूरे सेंटर में डिफरेंस है, पूरा सेंटर अगर मिरर में आ गया तो वो तो इनैन्सियोमर में आ जाएगा, अगर ये मिरर इमेज बन जाएगा पूरा तो वो तो क्या हो जाएगा आपका, इनैन्सियोमर हो जाएगा। ओके, लेकिन
एक से ज्यादा सेंटर में डिफर है, लेकिन सभी सेंटर में डिफरेंस नहीं है, तो वो डाइस्टीरियोमर्स माना जाएगा। इसी तरह से आप इसके नीचे देखिए, डी गैलेक्टोज इज एन इपीमर ऑफ डी ग्लूकोज बिकॉज दे डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन एज सी फोर। डी मेनोज इज एन इपीमर ऑफ डी ग्लूकोज बिकॉज दे डिफर ओनली इन द कॉन्फिगरेशन एज सी टू। ओके, ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, आप अगर इस पूरे डी सीरीज को देखें, ये हमने बार बार डिस्कस किया, देखिए कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में अगर आपको ये सीरीज नहीं मालूम है तो इसका माने कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री हमें कुछ भी नहीं मालूम है। ये डी ग्लिसरेडियाइड है, डी ग्लिसरेडियाइड में थ्री कार्बन्स हैं। अगर आप एक कार्बन ऐड करते हैं, एच ओ एच लगाते हैं, तो आप दो तरीके से उसमें एच ओ एच ऐड कर सकते हैं। एच आपका लेफ्ट, ओ एच आपका राइट साइड हो गया, लेकिन दूसरे में ओ एच आपका क्या हो गया, लेफ्ट में, और एच क्या हो गया, राइट साइड में हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के आप देख रहे हैं, देखिए एक सेंटर में डिफर है, दूसरा सेंटर तो एक ही है, केवल एक सेंटर में डिफर है, तो ये भी एक दूसरे के आपके क्या कहे जा सकते हैं, ईपीमर कहे जा सकते हैं। ओके, पूरा मिरर इमेज नहीं है, देखिए डी राइथ्रोज एंड डी थ्रियोज एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है आपके, केवल एक सेंटर, देखिए एक सेंटर में डिफरेंस इसका आ रहा है, एक सेंटर अपनी जगह बना हुआ है, एक सेंटर में डिफर आ रहा है, तो ये ईपीमर है। उसी तरह से जो यहाँ पर पेयर बने हुए हैं, जितने भी पेयर हैं, देखिए डी राइबोज डी अरेबिनोज ईपीमर टू ईच अदर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डी राइबोज एंड डी अरेबिनोज व्हाट टाइप ऑफ द ईपीमर, वहाँ पर सी वन सी टू ऐसा दिया हुआ है, तो आप देखिए सी टू ईपीमर है। कार्बन नंबर टू को आप देखें, डी राइबोज और डी अरेबिनोज सी टू ईपीमर माने जाएंगे। कार्बन नंबर वन आपका सी एच ओ हो गया, सी ये वाला कार्बन नंबर टू पे है, ठीक है। डी जाइलोज एंड डी लिग्जोज आप देखिए कहाँ पर डिफर है, कहीं पर अंतर है, दोनों देखिए ये दोनों सेम है यहाँ पे देखिए, लेकिन नंबर वन में डिफर है, ये नंबर टू पे डिफर है, तो दैट्स वाई सी टू ईपीमर। ओके, अगर आप यहाँ पे जितने भी हमारे ये पेयर हैं, ये सभी पेयर को अगर आप देखें, तो इनमें सभी में सी टू ईपीमर ही आपको मिलेगा। क्यों, जैसे डी एलोज और डी एल्ट्रोज सी टू ईपीमर, डी ग्लूकोज डी मेनोज सी टू ईपीमर, डी ग्लोज डी आइडोज सी टू ईपीमर, डी गैलेक्टोज एंड डी टेलोज सी टू ईपीमर। ओके, अब आपको क्रॉस में अगर देखना है इसको, जैसे हमने डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज को देखा था, ठीक है, तो आप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक उसको स्ट्रक्चर को देखेंगे, जहां पर भी उसमें डिफरेंस आएगा वही उसका ईपीमर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं, देखिए ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जिसमें कि कार्बन नंबर वन में आपका सी डबल बॉन्ड ओ होता है, उस कार्बन नंबर वन में जो सी डबल बॉन्ड ओ है दैट इज अ पोलर, वो पोलर होने की वजह से कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करता है आपका, ऑक्सीजन की तरफ को शिफ्ट करेगा। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन दिस वन अट्रैक्ट एनी पॉजिटिव सेंटर एंड सी गेट पॉजिटिव चार्ज, दिस अट्रैक्ट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेंस पार्ट। तो जो सी पॉजिटिव होता है वो तो क्या करता है, जो कार्बन नंबर फाइव से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इस पर आपके क्या हैं, दो लोन पेयर हैं। ओके, कार्बन पॉजिटिव जो है वो एक तरह से जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो वो ऐसे जगह, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंस जगह पर जुड़ जाएगा जहां से उसको स्टेबल स्ट्रक्चर बन सकता हो। देखिए वो ऐसी जगह पर नहीं जुड़ेगा जहां से उसको अनस्टेबल स्ट्रक्चर बनता हो, स्टेबल स्ट्रक्चर जहां से बनेगा वो वहीं पे ऐड होता है, तो दैट्स वाई कार्बन नंबर वन इंट्रैक्ट टू द ऑक्सीजन अटैच्ड विद द कार्बन नंबर फाइव। ओके, इसकी वजह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। देखिए जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो
एक कंपाउंड है पायरन, तो उससे रिलेटेड है क्योंकि सी वन और सी फाइव को जोड़ करके वो बना हुआ है। कार्बन नंबर वन आप देखिए, कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फाइव को जोड़ करके आपस में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये एक पायरन स्ट्रक्चर है। तो इसके जो स्ट्रक्चर बनेगा पायरन से तो उसको बोलेंगे हम पायरेनोज। तो कार्बन नंबर वन जो है वो जब जैसे ही आपका स्ट्रक्चर जुड़ता है कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फाइव को जोड़ करके जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पायरेनोज। और कार्बन नंबर वन जो है आपका क्या हो जाता है, काइरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले काइरल सेंटर नहीं है देखिए आप, क्योंकि सी से जो है डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स दो वैलेंसी जो है किससे जुड़ी हुई है आपकी, सेम एटम से। लेकिन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, काइरल सेंटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कार्बन नंबर वन है वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर साइक्लाइजेशन। तो जो कार्बन नंबर वन है वो एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है, और इसकी वजह से आप देख रहे हैं एच ओ एच एक एबव और बिलो, आप देखिए अगर ये एक प्लेन में इसकी रिंग है तो एबव द प्लेन बिलो द प्लेन ये अल्फा फॉर्म है। अगर इसका जस्ट अपोजिट ले लेते हैं, ओ एच को ऊपर लगा देते हैं, एच को नीचे, बाकी को चेंज नहीं करना, देखिए बाकी अपनी जगह बना रहेगा। हमेशा याद रखना है केवल कार्बन नंबर वन में अगर आप अल्टरनेशन करते हैं एच ओ एच ओ एच एच करते हैं तो वो अल्फा फॉर्म को बीटा फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं आप, ठीक है ना। अगर आप कार्बन नंबर वन के अलावा भी चेंज करते हैं तो वो एनोमेरिक, वो एनोमर्स नहीं माने जाएंगे। केवल एनोमेरिक कार्बन में ही अगर आप चेंज करते हैं तो उसको आप एनोमर्स बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो इट मीन्स अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दीज टू आर एनोमर टू ईच अदर बिकॉज दे डिफर ओनली एट द कार्बन नंबर वन, केवल वो कार्बन नंबर वन में अंतर। अब एनोमर्स को देखिए अब डिटेल में, मैंने वैसे तो मैंने बता दिया आपको इस स्लाइड्स में, लेकिन इसमें और बेटर तरीके से शो किया हुआ। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज है ये ओपन चेन में है, ओके। तो कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फाइव में जो लिंकेज हो उसके बाद में ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो एक को आप अल्फा बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। जो एनोमर्स हैं अल्फा और बीटा ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर वन में ही अंतर होता है और ये एक दूसरे के इनेंशियोमर नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये बहुत बार स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं कि एनोमर्स आर इनेंशियोमर, बिल्कुल गलत है, ओके। एनोमर्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर, बिल्कुल गलत है, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज फॉर्म्स अ हेमी एसिटल बिटवीन द सी एच ओ ग्रुप एंड ओ एच ग्रुप ऑन द सी फाइव एटम। एज अ रिजल्ट ऑफ साइक्लाइजेशन सी वन एसिमेट्रिक इट मीन्स काइरल एंड द न्यूली फॉर्म्ड ओ एच ग्रुप मे बी आइदर ऑन द लेफ्ट और ऑन द राइट इन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। दीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू आइसोमर्स विच डिफर इन द ओरिएंटेशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप्स अराउंड सी वन। दीज आइसोमर्स आर नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। द आइसोमर्स हैविंग ओ एच ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज एंड वन हैविंग द ओ एच ऑन द लेफ्ट इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। सच पेयर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन ओनली अराउंड सी वन आर कॉल्ड एनोमर्स। तो कार्बन नंबर वन में डिफर होता है, ग्लूकोज के दो स्ट्रक्चर आपने बनाए, केवल कार्बन नंबर वन में आप डिफर करते हैं तो दे आर कॉल्ड एनोमर्स। कार्बन नंबर वन के अलावा कहीं और एक जगह पर कहीं डिफरेंस है, कार्बन नंबर वन में कोई डिफरेंस नहीं है, कार्बन नंबर वन के अलावा कहीं डिफरेंस है, ओके। जैसे आपने केवल अल्फा डी ग्लूकोज लिया, दो स्ट्रक्चर लिया आपने, ठीक है, एक अल्फा डी तो अपना आपने लिया ही लिया है, कार्बन नंबर वन में चेंज नहीं किया लेकिन कहीं कार्बन नंबर टू पे चेंज कर दिया, तो वो एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, आपके ईपीमर बोले जाएंगे, जैसा कि हमने इससे पहले डिस्कस किया है।
ओके, कार्बन नंबर वन में ही डिफर होता है तो उसको हम बोलते हैं एनोमर्स। ओके, दैट्स वाई कार्बन नंबर वन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन और ग्लाइकोसिडिक कार्बन भी बोलते हैं। नाउ दीज आर द एनोमर ऑफ डी फ्रुक्टोज। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हमने यहाँ पर दी हुई है। देखिए डी फ्रुक्टोज में जो होगा, जैसा डी ग्लूकोज भी क्या हुआ था, कार्बन नंबर वन की वजह से एनोमर बनते हैं, लेकिन डी फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर टू की वजह से एनोमर बनेंगे। क्यों? क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो कार्बन नंबर टू पे होता है। ओके, कार्बन नंबर सी टू की वजह से जो है एनोमर्स बनेंगे डी फ्रुक्टोज में, ये याद रखना है। क्यों? साइक्लाइजेशन कहाँ से होगा आपका, सी टू का जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें आपका पाई बॉन्ड जो है टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा, तो दैट्स वाई कार्बन में पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव किससे जुड़ जाएगा आपका, कार्बन नंबर फाइव के ऑक्सीजन के साथ में। दैट्स वाई सी टू पे डी फ्रुक्टोज में नंबर टू कार्बन की वजह से एनोमर बनेंगे, नंबर टू कार्बन की वजह से। ये यहाँ पे आप देखिए, इसकी वजह से देखिए, सी एच टू ओ एच एबव है, ओ एच बिलो है, तो अगर इसको अल्फा बोलते हैं। आप अगर इस ओ एच को ऊपर ले आते हैं, सी एच टू ओ एच को नीचे ले आते हैं, बाकी को डिफर नहीं करना। देखिए बाकी अगर आप मैच करके सब एक जैसा होगा, केवल कार्बन नंबर टू पे फ्रुक्टोज के केस पे बोल रहे हैं, ओ एच ऊपर ले आते हैं, सी एच टू ओ एच को नीचे ले आते हैं, तो उसको बीटा बोलेंगे। देखिए बाकी जगह पर कोई डिफरेंस नहीं करना आपने, ये ध्यान देना। मैंने अधिकतर देखा है कि बच्चे पूरा चेंज कर देते हैं, जब पूरा चेंज कर देंगे तो आप तो वही स्ट्रक्चर आ जाएगा घूम के, फिर तो कोई डिफरेंस होगा ही नहीं, सेम स्ट्रक्चर माना जाएगा। ओके, एनोमर्स ऑफ डी गैलेक्टोज, अब किसी के भी आप बना सकते हैं। देखिए डी गैलेक्टोज में आपने डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में डिफरेंस कहाँ पर था, कार्बन नंबर वन के अलावा एक कार्बन पर डिफरेंस था, सी फोर पे हमने डिफरेंस किया था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये देखना है कि जो एनोमर आप बनाएंगे उसमें आपको केवल अगर वो सी एच ओ वाला है जो ओपन चेन में उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एल्डोज वाला है तो आप सी वन में एच ओ एच और ओ एच एच का डिफरेंस करके क्या कर सकते हैं, एनोमर बना सकते हैं। अल्फा डी और बीटा डी, बाकी इधर गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है या फ्रुक्टोज है उसको हम नहीं बोल रहे हैं अभी। देखिए अल्फा डी एंड बीटा डी आर एनोमर, अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, दीज आर एनोमर टू ईच अदर, एक दूसरे के वो क्या हैं, एनोमर है। एनोमर्स एंड एपीमर्स आर बोथ डाइस्टीरियोमर्स। देखिए डाइस्टीरियोमर्स के अंदर दोनों हैं, ओके, लेकिन ये इनेंशियोमर नहीं है, ये ध्यान में रखना है। डाइस्टीरियोमर्स के दो पार्ट हो सकते हैं कि कोई एनोमर होगा कोई उसका इपीमर होगा, ओके, क्योंकि डाइस्टीरियोमर्स एक दूसरे के क्या नहीं होते हैं, मिरर इमेज नहीं होते हैं। डाइस्टीरियोमर्स के अंदर एनोमर्स और इपीमर इंक्लूड किए जा सकते हैं, लेकिन सभी डाइस्टीरियोमर्स एनोमर या ईपीमर होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान में रखना। डाइस्टीरियोमर्स एक ब्रॉड है, उसके अंदर ब्रॉड हेडिंग है, ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर कुछ एनोमर हो सकते हैं, कुछ ईपीमर हो सकते हैं, कुछ ये दोनों नहीं भी हो सकते हैं, ओके। बट एन ईपीमर इज अ स्टीरियो आइसोमर्स दैट डिफर्स इन कॉन्फिग्रेशन एट एनी सिंगल स्टीरियोजेनिक सेंटर, किसी भी एक जगह पर अंतर होगा, लेकिन एनोमर के लिए क्या होगा, कार्बन नंबर वन पे होगा। इट मींस वो एसिटल और हेमी एसिटल वाला जो कार्बन है यानी कि ग्लाइकोसिडिक कार्बन जो है उस पर होगा, ये ध्यान में रखना आपको। एनोमर में डिफरेंस होगा एसिटल, हेमी एसिटल या ग्लाइकोसिडिक कार्बन पर, या एनोमेरिक कार्बन बोल दीजिए आप, ओके। लेकिन जो ईपीमर होगा उसमें जो डिफरेंस होगा वो उस नंबर वन के अलावा कहीं एक जगह पर, कहीं पर भी हो सकता है, कहीं भी एक जगह पर, नंबर वन को छोड़ करके कहीं एक जगह पर, ओके, वो ईपीमर के अंदर। डाइस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन आइडेंटिकल, डू नॉट हैव मिरर इमेजेस एंड हैंस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर, ओके, हैंस दे अकर व्हेन टू और मोर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड हैव डिफरेंट कॉन्फिगरेशन एट वन और मोर सेंटर्स। अब एक और देखिए, आप डाइस्टीरियोमर्स इंक्लूड क्या क्या डाइस्टीरियोमर्स हो सकते हैं, देखिए
सीसेंट ट्रांसट्यूबुटिन ये डाइस्टीरियोमर से हैं, डी थ्रियोज डी राइथ्रोज ये डाइस्टीरियोमर से हैं, डी राइबोज डी अरेबिनोज एंड इसके अलावा जो भी मैंने पूरी डी सीरीज दी थी वो पूरे अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको सभी क्या मिलेंगे, डाइस्टीरियोमर्स मिलेंगे। देखिए डी सीरीज हम इसके बाद और दे रहे हैं, देखिए ये सभी जितने भी पूरे सीरीज हैं ये आपके डाइस्टीरियोमर्स के ही अंदर आएंगे। इन डाइस्टीरियोमर्स में सभी डाइस्टीरियो डी एलोज, अगर मैं बात करूँ डी एलोज और यहाँ से किसी एक को पिक कर देते हैं डी एल आइडोज, ये भी डाइस्टीरियोमर्स हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एपीमर होंगे क्योंकि एक से ज़्यादा सेंटर में वो डिफर हो सकते हैं, ठीक है ना। डाइस्टीरियोमर्स तो हैं लेकिन कुछ डाइस्टीरियोमर्स आपके क्या हैं, एपीमर है, कुछ एनोमर है। इट मीन्स ऑल ईपीमर एंड एनोमर आर डाइस्टीरियोमर्स बट ऑल डाइस्टीरियोमर्स आर नॉट ईपीमर एंड एनोमर। जैसे डी राइथ्रोज एंड डी थ्रियोज ये डाइस्टीरियोमर्स हैं लेकिन साथ में ये क्या हैं, ईपीमर भी है, एक दूसरे के ईपीमर है लेकिन एनोमर नहीं है, ये क्या है आपके ईपीमर है क्योंकि कार्बन नंबर टू पे डिफर है, देखिए कार्बन नंबर टू पे। ओके, तो इस तरीके से आपको ये डी सीरीज अगर याद है तो आपको बहुत कुछ इसमें क्लियर हो सकता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनेंशियोमर एंड डाइस्टीरियोमर, सब देखिए एनेंशियोमर में आप पूरा देखेंगे पूरा मिरर इमेज मिलेगा आपको, देखो ये पूरा आप देखिए ये पूरा जो है आपको इस साइड पे मिलेगा देखो, और इस साइड का पूरा इस साइड में मिलेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एनेंशियोमर बोलते हैं, यानी कि आपका एनेंशियोमर होता है मिरर इमेज जबकि डाइस्टीरियोमर मिरर इमेज नहीं होता है। आप इससे पहले वाली स्लाइड में आप देखिए क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, जरा देखिए अगर इस पर मैं एक मिरर बना देता हूँ ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, जो मिरर इमेज नहीं है वो स्टीरियो आइसोमर्स डाइस्टीरियोमर्स के अंदर रखे जाते हैं। ओके, जो मिरर इमेज है वो एनेंशियोमर है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।